वेलकम बैक किशोर इंग्लिश टीचिंग सेंटर त्रिवेणी सुपौल। आज हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय। देखिए प्रीपोजिशन दो शब्दों से बना हुआ है, प्री और पोजिशन। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थिति। यानी प्रीपोजिशन के बारे में आप कह सकते हैं कि नाउन से पहले जो अपना स्थान ग्रहण करता है उसको प्रीपोजिशन कह सकते हैं। लेकिन हिंदी में यह उल्टा होता है। हिंदी में क्या उल्टा होता है कि हिंदी में प्रीपोजिशन जो भी होता है, संबंध सूचक शब्द जो भी होता है, वह नाउन से नाउन के बाद आता है। हिंदी में बाद आता है लेकिन इंग्लिश में प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है। देखिए जैसे कि एक बात मैं आपको बताता हूँ, पोजीशन, पोजीशन मीन्स जैसे स्थिति होता है। देखिए पोजीशन दो प्रकार का होता है, एक प्री एक पोस्ट। प्री मीन्स पहले वाला और पोस्ट मीन्स बाद वाला। तो प्री, जैसे प्री मीन्स आप कह सकते हैं कि मोबाइल आप इजी करते हैं उसके बाद आप बात कर पाते हैं, तो उसमें क्या किया तो आपको पहले इजी करना पड़ा, तो वह प्री हुआ, इसीलिए उसको प्रीपेड कह सकते हैं। और पोस्ट पेड आप पढ़े हैं, पोस्ट को भी पेड मीन्स यूज करने के बाद। जैसे आप बिजली जलाते हैं तो यूज करने के बाद जो आपका मीटर उठता है उसके हिसाब से आपको बिल देना पड़ता है। तो हिंदी में देखिए प्रीपोजिशन का जो स्थान होता है वह पोस्ट में होता है, यानी नाउन के बाद आता है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में प्री होता है, यानी प्रीपोजिशन जो है उसका स्थान प्री होता है, संबंध सूचक अव्यय पहले आता है। जैसे द टेबल से पहले नाउन आया, जैसे टेबल पर, देखिए टेबल पर हिंदी में आपको पर जो है नाउन के बाद था, लेकिन इंग्लिश में देखिए पर का पहले ऑन देना पड़ेगा, टेबल का द टेबल, ठीक। जैसे टेबल पर किताब है। अब प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन को कह सकते हैं कि संबंध सूचक अव्यय जो है वह शब्द है जो दो संज्ञा के बीच संबंध दिखाता है। ऐसे आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। यानी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन वह शब्द है व्हिच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए, द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, यानी दो नाउन दो संज्ञा के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य प्रीपोजिशन करता है। जैसे टेबल पर किताब है, मान लीजिए आप पर को आप मिटा देते हैं तो हो जाएगा टेबल किताब। टेबल किताब है ये अटपटा सा लगता है और ये तो रीजनिंग का सवाल हो जाएगा, जैसे कि टेबल किताब है, हर किताब फूल है इस प्रकार से। इसीलिए टेबल किताब है, इसके बीच में जब हम पर शब्द को का प्रयोग करते हैं, किताब से पहले पर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो पर शब्द जो है रिलेशन बताता है, संबंध बतलाता है टेबल और किताब के बीच। यानी टेबल पर किताब, किताब कहाँ है तो टेबल के ऊपर है। इसीलिए आपको मैंने बताया कि पोजिशन दो प्रकार का, प्री और पोस्ट। प्री जिसमें आप उदाहरण स्वरूप जिसमें आप पहले, जिसमें प्री मीन्स पहले, यानी पहले आपको पेड करना होता है, प्रीपेड पोस्ट पेड आप जैसे पढ़ते हैं, प्रीपेड आपका मोबाइल सब जैसे हुआ कि जिसमें आप पहले पेड करते हैं उसके बाद बात कर सकते हैं, पोस्ट पेड जिसमें बाद में आपको मान लीजिए पेड करना होता है, जैसे बिजली आप पहले यूज करते हैं उसके बाद वो उसका पेड करते हैं। तो आप हिंदी में जानते हैं कि प्रीपोजिशन जो है टेबल पर, यानी टेबल के बाद आया, तो यानी पोस्ट का स्थिति प्रीपोजिशन में, पोजिशन जो प्रीपोजिशन का होता है, पोजिशन बाद में हिंदी में आता है, यानी पोस्ट होता है हिंदी में टेबल पर, टेबल के बाद प्रीपोजिशन आया। लेकिन इंग्लिश में प्रीपोजिशन का स्थान प्री होता है, यानी पहले होता है, पहले ऑन तब द टेबल। अब देखिए अब आपको पढ़ना है कि आफ्टर प्रीपोजिशन ओनली ऑब्जेक्ट ओनली बिफोर इज यूज्ड, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी B1, B2, B3 या B5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। B1, B2, B3, B5 का प्रयोग कभी भी प्रीपोजिशन के बाद नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई अब्सटेन फ्रॉम, मैं बचता हूँ किससे, स्मोकिंग, क्योंकि फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आपको मैंने बताया है कि हमेशा बिफोर होता है। उसी प्रकार से हिज एम्स एट, उसका लक्ष्य है सॉल्विंग द प्रॉब्लम या सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी सवाल को हल करना उसका लक्ष्य है, तो प्रीपोजिशन है एट, इसलिए एट के बाद सॉल्विंग होगा। हिज एम्स एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उनका लक्ष्य है समस्या का समाधान करना।
अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आफ्टर प्रीपोजिशन ओनली ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑलवेज ओनली ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही हैज कंप्लेंट, उसने शिकायत किया अगेंस्ट राम एंड मी, राम और मेरे साथ, मेरा यानी राम एंड आई नहीं होगा क्योंकि आई आपका सब्जेक्टिव केस है। देखिए राम जिस वॉयस आप बनाते हैं तो राम जैसे है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी आप क्या देते हैं, उसका ऑब्जेक्ट जैसे राम इट्स अ मैंगो, तो अब मैंगो इज इटन बाय राम ही देते हैं क्योंकि राम का यानी नाउन का ऑब्जेक्टिव केस भी नाउन ही होता है, राम का राम ही होगा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब प्रोनाउन पर आप आइएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है, इसी प्रकार से ही हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड मी सही होगा बल्कि राम एंड आई नहीं होगा। You are helped, आपके द्वारा सहायता किया जाता है, by me, मेरा, आपके द्वारा मेरा सहायता, यानी by जो आपका preposition है, इसके बाद हमेशा क्या होगा, me होगा, objective case होगा, I नहीं होगा। चलिए हो, उसके बाद अपना सब, on, above और over का प्रयोग करते हैं। on का देखिए प्रयोग कहाँ होता है, above का प्रयोग कहाँ होता है, over का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए, यदि किसी वस्तु की एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और इसको टच करता हो और दोनों वस्तु आपस में टच करता हो तो यहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। एवं का आप देखिए प्रयोग कब करते हैं, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और इसको टच नहीं करता हो, आपस में टच नहीं करता हो तो एवं का प्रयोग करता है, किया जाता है। अब देखिए ओवर का प्रयोग कब करेंगे, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और इस नीचे वाली वस्तु को ऊपर वाली वस्तु कम से कम दो दिशा से घेरा रहे तब ओवर का प्रयोग करते हैं। यह स्थिति कब आएगा, जैसे अपना सब कहे कि देर जब बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है, तो टेबल पर एक किताब है इसका मतलब किताब टेबल को स्पर्श कर रहा है, सिर्फ नाम मात्र रखा हुआ है। देर जब पेन ऑन द बेंच, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, यानी पेन जो है वह चेयर पर रखा हुआ है, यानी एक वस्तु के ऊपर यदि दूसरी वस्तु रखी हुई रहे स्पर्श करे तब वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। एवं का प्रयोग कब करेंगे, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रहे और उस वस्तु को स्पर्श नहीं करे तब एवं का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके ऊपर पंखा नाच रहा है तो आप क्या लिखेगा, देयर इज अ फैन एवं माय हेड, या अ फैन इज हैंगिंग एवं अस, हम लोगों के ऊपर एक पंखा नाच रहा है, अ फैन इज मूविंग एवं अस, हम लोगों के ऊपर एक पंखा नाच रहा है। तो पंखा क्या है, ऊपर भी नाच भी रहा है, आपको दो ओर से घेरा हुआ भी नहीं है और वह जो है आपको स्पर्श भी नहीं करता है, फैन जैसे आपको स्पर्श भी नहीं कर रहा है। जैसे देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग एवं अस या एवं आवर हेड, देखिए बर्ड के सेंस में अपना सब ओवर का भी प्रयोग कर देते हैं। ओवर का प्रयोग देखिए, ओवर के बारे में मैंने बताया था कि यदि एक वस्तु को दूसरी वस्तु घेरा रहे और कम से कम दो दिशाओं से घेरा रहे तो ओवर का प्रयोग है। जैसे मान लीजिए नदी है, नदी पर पुल बनी हुई है तो पुल ऊपर है और कम से कम दो पारा तो रहेगा ही, तभी उस पर रहेगा, तैरेगा तो नहीं, यानी नदी के ऊपर क्या है, एक पुल है जिसके कारण आप पढ़ते हैं ओवर ब्रिज, आप पढ़ते हैं फ्लाई ओवर, एवं फ्लाई नहीं तो होता, नहीं तो होता एवं ब्रिज, ऐसा नहीं होता ओवर ब्रिज, ओवर फ्लाई ओवर जैसे अपना सब कहते हैं। जैसे देयर इज अ रूफ ओवर अस, हम लोगों के ऊपर एक छत है, यानी छत जो हमारे ऊपर है वह कम से कम दो ओर से, मान लीजिए छत है तो उसका दीवार चारों ओर से भी हो सकता है, तो मैंने बोला कम से कम दो दिशाओं से हमें घेरा हुआ रहे, यदि ऊपर वाला वस्तु कोई हमारे ऊपर कोई वस्तु रहे और कम से कम वह नीचे तक दो दिशा में हमको घेरा रखे तब हम वहाँ पर एवं ओवर का प्रयोग करते हैं। कम से कम दो दिशा हो, अधिक तो कितना भी हो सकता है, यानी मकान है यदि इधर से चारों दिशा से घेरा हो सकता है। उसके बाद देखिए डे और डेट में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग, और देखिए डे और डेट के नाम में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑन इज यूज्ड इन डे और डेट, डे और डेट में भी किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा, ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा। उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था कि डे और डेट जो रहे तो डे का नाम है मंडे, इसीलिए इसमें अपना सब ऑन लगाए। उसके बाद
यदि डेड है यानी डे में तो आपने लगाया, डेट यदि है तो उसमें भी ऑन का प्रयोग किया जाए। जैसे गांधी जी वाज बोर्न, गांधी जी का जन्म हुआ ऑन 2 अक्टूबर, देखिए डेट है, डेट के पीछे भी अपना सब किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एवब के बारे में अपना सब पढ़ेंगे, एवब का प्रयोग से ऊपर, से ऊपर किसी से ऊपर, जैसे पंखा देर जब फैलेंगे से ऊपर, तथा संख्या में ज्यादा या अधिक, संख्या में यदि किसी से ज्यादा रहे, जैसे हिज इनकम इज एवब 5000, उसका इनकम जो है 5000 से ऊपर है, यानी संख्या में ज्यादा दिखाने के लिए भी अपना सब एवब का प्रयोग करते हैं। हिज इनकम इज एवब 5000, उसका इनकम 5000 से ज्यादा है। देयर आर एवब 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब देखिए से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं एवब का प्रयोग, संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए, तो जिसमें उदाहरण मैंने बताया कि हिज इनकम इज एवब 5000, उसका इनकम जो है 5000 से अधिक है। उसके बाद आप लिख लीजिए कि देयर आर एवब 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी वर्ग में 100 से ज्यादा बच्चे हैं। ओवर, अब चलिए ओवर का प्रयोग अपना सब पढ़ते हैं। ओवर का प्रयोग देखिए एज दिखाने में किया जाता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट जब भी करे, टेम्परेचर को जब भी मापे तब ओवर का प्रयोग किया जाता है, किसी प्लेस के आसपास दिखाने के लिए, आसपास के सेंस में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु को ढकने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है, कि ऊपर के अर्थ में ओवर किया जाता है प्रयोग, समूचा तथा समूचा यदि कुछ दिखाना हो तब भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। ओवर का प्रयोग चाहे पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में भी करते हैं, ओवर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कोई समय खत्म होने के अर्थ में भी करते हैं। और देखिए ओवर का प्रयोग मोर देन रिक्वायर्ड में भी किया जाता है, मोर देन रिक्वायर्ड के लिए भी, यानी आवश्यकता से अधिक दिखाने के लिए भी अपना सर ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने देखिए एज दिखाने के लिए ओवर का प्रयोग, तो ही इज ओवर 30 और 30 से अधिक है, ओवर का प्रयोग एज दिखाने के लिए कर दिए। टेम्परेचर का मेजरमेंट, यदि तापमान को मापना है तो ओवर का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज कोल्ड ओवर हियर, ओवर देखिए टेम्परेचर का मेजरमेंट जैसे करेंगे तो आप दे दीजिए कि टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री से अधिक है, यानी अधिक टेम्परेचर का मेजरमेंट में भी क्या करते हैं तो ओवर का प्रयोग करते हैं, किसी प्लेस के आसपास के सेंस में भी ओवर का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज कोल्ड ओवर हियर, यहाँ आसपास में ठंडा है, इट इज कोल्ड ओवर देयर, इट इज हॉट ओवर देयर, वहाँ आसपास में गर्मी है, यानी आसपास के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, हमारे ऊपर अम्ब्रेला है, छाता है। देखिए जैसे आपको मैंने बोला किसी वस्तु को ढकने के लिए भी अपना सब ओवर का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु को यदि ढकते हैं तो उसको भी ओवर का प्रयोग उसके लिए करते हैं। जैसे अम्ब्रेला क्या करते हैं, अपना सब ढकते हैं अपने आप को, के ऊपर के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए द बॉल बाउंस्ड, बॉल ने बाउंस किया, उछला, ओवर द बाउंड्री, बाउंड्री से ऊपर होके बॉल गुजर गया, यानी के ऊपर के भी अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। समूचा तथा समूचा के लिए भी ओवर का प्रयोग करते हैं, समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के लिए, यानी प्लीज स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल, ओवर द पूरा समूचा टेबल को ढक दो, या इसमें कहिए कि किसी वस्तु को ढकने के लिए, इस सेंस में भी उसको ले सकते हैं कि प्लीज स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर क्लोथ को, कपड़ा को फैला दो। अब देखिए द क्लास इज ओवर एट 10 AM, जैसे अपना सब पूरे कि पीरियड ऑफ टाइम समय समाप्त होने के अर्थ में भी अपना सब ओवर का प्रयोग करते हैं, टाइम समाप्त होने के अर्थ में भी अपना सब ओवर का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में भी अपना सब ओवर का प्रयोग करते हैं, यानी कोई कार्य खत्म, द टाइम इज ओवर अपना सब कहते हैं, द मैच इज ओवर, जैसे पीरियड ऑफ टाइम हुआ या सर, द क्लास इज ओवर एट 10 AM, 10 बजे क्लास खत्म हो गई, यानी समय समाप्त होने के लिए भी ओवर का प्रयोग करते हैं। थैंक्स।